जहरीली शराब से हुई मौत पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने माना कि निचले स्तर के पदाधिकारियों के कारण शराबबंदी सफल नहीं हो पाई। इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नालंदा पहुंचे, जहां उपेंद्र कुशवाहा ने शराब कांड मामले पर कहा कि शराबबंदी कानून जब बनाया गया था तब सभी लोगों का समर्थन था। अभी जब घटनाएं हो गई हैं तो सभी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि शराबबंदी में नीचे के कर्मचारियों के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसे दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। विपक्षी पार्टी बीजेपी पर उन्होंने कहा कि जिस वक्त शराबबंदी लगाया गया था उस वक्त वो भी हमारी पार्टी के साथ में थी और उसने भी शराब नहीं पीना और शराब बंद करने की शपथ ली थी। कानून का समर्थन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कार्यान्वयन के स्तर पे नीचे के लेवल के अधिकारी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गड़बड़ी के कारण यह कार्यक्रम बहुत सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो नीचे के अधिकारी हैं उनको ठीक से काम करना चाहिए और शराबबंदी से अधिक नीचे के लेवल पे दारी का जो मामला है उससे लोगों को कुछ ज़्यादा परेशानी है। लेकिन नशा लोग ना करें यह तो सब कोई व्यक्तिगत बातचीत में बोलता है। सब लोगों को चाहिए कि इस कानून को सफल बनाने के लिए सब लोग इंटरेस्ट करें। तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके का बयान यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सामने आया है, उन्होंने कहा कि निचले स्तर के कुछ अधिकारियों की वजह से ये कानून बेहतर तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। तो जो लगातार यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं, 70 से ज़्यादा लोगों की मौत इस पूरे मामले को लेकर छपरा में हो गई है। अलग अलग जिलों से भी कुछ मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आने वाली है। आप समझ लीजिए कि कितना संवेदनशील ये मुद्दा है। लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, चीख पुकार लोगों की सुनाई पड़ती है और जो बयान भी है वो भी एक तरह से दिए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा है यहाँ पर साफ तौर पर कि निचले स्तर के कुछ अधिकारियों की वजह से ये कानून बिहार में बेहतर तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। और इस वक्त जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर बिहार रजनीश हमारे साथ, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये बताइए कि सबसे आसान है इस पूरे मामले में, कहें कि अगर कोई भी मामला सामने आता है तो सबसे आसान है कि उसका ठीकरा जो है वो निचले अधिकारियों पर यानी फोड़ दें और पूरे मामले की तीसरी समझ लें, यानी कि उसको अगर आसान भाषा में कहें कि छोटी मछली जो है उसको फंसाना बड़ा आसान है। रजनीश, देखिए इस मामले में भी फौरी तौर पे वही देखने को मिला कि जब सरकार की भद पिटने लगी और किरकिरी हुई तो वहाँ पे चार थाना क्षेत्र को लेकर ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है, जो प्रभावित क्षेत्र हैं सिवान की छोड़ दे तो, और उसके बाद सिर्फ एक थाना क्षेत्र के निचले जो 2 से 3 कर्मचारी और अधिकारी लेवल के हैं, थाना इंचार्ज और एक चौकीदार और एक सिपाही, इस स्तर पे अगर आप सिर्फ बर्खास्त करके और फिर इतिश्री आप समझ लेते हैं काम का, तो इसे समझा जा सकता है कि मामले की जो है वो लिपापोती की जा रही है, जबकि नेक्सस जो है पूरा चेन है। तो ऐसे में जांच पड़ताल की बातें या फिर बड़ी घटना हो जाए तो फिर इस तरीके से चीज़ों को देखने की बातें या फिर रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी की बातें, और ये कोई पहली घटना नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की जो एक ऊपर से योजना होनी चाहिए थी उसके अनुसार क्रियान्वयन होना चाहिए था, उस पर दबाव होना चाहिए था, एक जो टैबू होना चाहिए था, नियंत्रण होना चाहिए था, वो इन चीज़ों पर नहीं है। और लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि चाहे आप संसाधन और तकनीक की जितनी बात कर ले, लेकिन एक जो पैरेलल सिस्टम तैयार हो गया है वो अवैध शराब के खरीद बिक्री से लेकर उत्पादन और वितरण और एक जो पूरा तंत्र बन गया है अवैध तौर पे, वो पूरे बिहार में चल रहा है, और इसका अब कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है चूँकि ये जगजाहिर है। और यहाँ पे भी सारी बातें जो है वो दिख रही हैं कि 2-3 दिन से जब लोग मर भी रहे थे फिर भी जो है अवैध रूप से दारू उपलब्ध था उसी क्षेत्र में, और लोग पीकर और फिर वो भी हॉस्पिटल पहुँच रहे थे आँख से
दिखाई न देने की समस्या से लेकर तमाम दूसरे समस्या को लेकर, शराब को लेकर, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी उसकी कमी जरूर देखी जा रही है। लेकिन अब जबकि चारों ओर से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर सरकार के दूसरे जो इसके लिए जवाबदेह अधिकारी पदाधिकारी हो, तो अब कार्रवाई की बातें कही जा रही है और छापेमारी चल रही है। लेकिन अब यही बात है कि जब छापेमारी हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में शराब, स्पिरिट, महुआ और तमाम जो अवैध शराब को लेकर जो अभियव हैं वो पकड़े जा रहे हैं, तो अगर ये छापेमारी इस युद्ध स्तर पे नहीं होती तो जाहिर सी बात है इससे शराब का उत्पादन होता, वितरण होता और फिर ये बाज़ार में खप गए होते। तो ऐसे, और ये चल भी रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक दृढ़ संकल्प जो होना चाहिए था, इच्छा शक्ति, उसकी कमी है और बदस्तूर जो है ये धंधा फल फूल रहा है। और एक जो शराबबंदी के बाद पैरेलल एक सिस्टम तंत्र जो है वो खड़ा हो गया है अरब अवैध शराब के कारोबार का, चाहे वो बाहर से शराब को मंगाने को लेकर हो या स्थानीय स्तर पर, देसी स्तर पर अवैध शराब के निर्माण और उत्पादन की बात हो, दोनों यहाँ पे मौजूद है। और ये तंत्र जो है कहीं ना कहीं इसमें कमियाँ खामियाँ है, जिसका फ़ायदा चाहे वो ऐसे तत्व है या फिर जो नेक्सस चला रहे वो लोग हैं, और इस तरीके के अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। और जहाँ पे जहरीली शराब की बात हो तो फिर ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें लोगों की जान, दर्जनों लोगों की जान जो है वो जा रही है। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है, संक्षेप में बताइएगा रजनीश, कि क्या इस तरह के बयान देकर मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश भी हो रही है? देखिए, बयान जो है आ रहे हैं, कई बयान जो है दोनों ओर से अगर कहें, राजनीतिक बयान जो है बेहद स्तरहीन बयान भी आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। जैसे वो कैजुअल तरीके से किसी भी बात को कह दे रहे हो, अब वो जिस तरीके की गंभीरता है स्थिति की, वैसे ना तो बयान है ना उसमें वो गंभीरता है। तो इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने और अपने पक्ष में अपनी बातों को अपने तर्क के जरिए रखने की बातें सिर्फ कवायद के तहत हो रही है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो इतर है। लोग परेशान हाल है और साथ ही साथ इस बीच में एक सिस्टम जो बन गया है जो कि स्रोत भी है, एक अवैध कमाई का जरिया है, और इससे लोग फल फूल रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर इसका कारोबार जो है वो चल रहा है। सरकार पशुपेश की स्थिति में है और वो भी विपक्ष से भी कह रही है कि क्या करना है नहीं करना है आप खुलकर बताएं। विपक्ष जो है सीधा सीधा ठीकरा फोड़ रही है और निशाने साध रही है राज्य सरकार पर, तो बिल्कुल पशुपेश की स्थिति है। और इस बीच में शराब का धंधा और मरते हुए लोग। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के बयान दोनों ही तरफ से दिए जा रहे हैं, उसे इस पूरे मामले की संवेदना को देखते हुए, कितना संवेदनशील ये मुद्दा है उसको देखते हुए, ये कहा जा सकता है कि ये काफ़ी हल्के किस्म के बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्यूरो चीफ पटना रजनीश, जिनसे हम बात कर रहे थे। वहाँ पर छपरा में लगातार मौत का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ बयानों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।